ये आपके पति के खिलाफ सोशल मीडिया में जो उन्होंने वीडियो वायरल किया था उसको लेकर एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी धारा राजद्रोह की वो लगा दी गई थी। क्या क्या कह रही है जी? मेरे को तो जिस समय हमारे यहाँ अरेस्ट करने गए थे, पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं बताए थे। जब मैं यहाँ सवेरे अभी कोर्ट आई, मतलब पुलिस थाने गई थी, जब मेरे को पता चला कि ये धारा लगी है करके, सर इसके पहले पता नहीं था। आपको मालूम है राजद्रोह की धारा क्या होती है? क्या होता जी? सर नहीं मालूम मेरे को, बस भैया लोग बताए यहाँ आने के बाद। मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। पूरे संबंधित विभाग को सूचना दी और उस धारा को हटाने के लिए बिजली कंपनी ने जो मुझ पर कंप्लेन की थी उस धारा को हटाने के लिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और मुझ पर से देशद्रोह की धारा को हटाया। मैंने आज तक 15 साल की लाइफ में ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री अपने जीवन में नहीं देखा, क्योंकि अभी तक जितने भी बड़े नेता मुख्यमंत्री जो रहते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी कुछ बोल देता है तो जल्दी से फट से उसको गिरफ्तार करवा देते हैं, जेल में पूछ देते हैं। लेकिन ये मेरे लाइफ में, ये भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री प्रदेश के अभी नए जो बने हैं, वो मेरे लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इसमें साथ में मैं एक बात और कहूँगा, राजनांदगांव जिले के हमारे कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान जी ने जो भूमिका निभाई है, मैं इसका जीवन पर्यंत अपने परिवार के लिए मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री जी को, नवाज खान जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभारी।